एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ ऑफ जामिन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? हम लोग तो अच्छे माशाल्लाह। और अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून पे, बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, रेनकोट वेंकोट पहन के देख सकते हो। और शकील आपा भी है घर के अंदर, है ना, तो हम लेट जा रहे हैं क्योंकि हमारे स्टाफ को भी अच्छा लगता है हम लोग सैलून पे नहीं आएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, बहुत तेज़ हो रही है बारिश, है ना। चलो चलते हैं, बज रहा है 7, शाम का टाइम, शाम में जा रहे हम लोग सैलून पे। दमास तो आ चुके हम लोग सैलून पे, और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि हम लोग आए थोड़ा सा भीग चुके थे और अभी बैठे काम कर रहे हैं। तो चलो फिर देखते हैं, कॉल आ रहा है किसी का, क्या हुआ। हम लोग आ चुके हैं घर पे और मैं बना रही हूँ मस्त तुरई की सब्जी, मेरे हाथ की, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और ये बना रही हूँ मैं थोड़ी सी बंगाली स्टाइल में, एकदम चटपटी वाली, क्योंकि बारिश में चटपटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो देखते अब इसमें मैं क्या क्या डालूँगी। इसमें टमाटर वमाटर मैं यूज़ नहीं करूँगी, इसे मैं कुछ अलग चीज़ यूज़ करूँगी, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को। और आप लोग घर पर भी ट्राई कर सकते हो मस्त में, है ना। तो चलो फिर बनाते हैं। मैंने आलू भी कितने अच्छे तरीके में काटी हूँ, देख सकते हो यहाँ पर मस्त, थोड़ा सा लाइट कम ज़्यादा होती है। इसको अच्छे से मैंने क्लीन करके एकदम लंबे लंबे जैसे ऐसे मैंने काटी, एकदम पतले पतले, गोल नहीं काटी मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा सा बंगाली स्टाइल में बना रही हूँ सब्जी, है ना। और यहाँ पर मैंने जैसा कि मिर्च भी देख सकते हो, एकदम स्पाइसी मस्त। और अभी जस्ट मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ, है ना, तो आप देख कर ही समझ गएंगे। और ये है तुरई, डालेंगे इसमें जीरा और फिर डालेंगे इसमें मिर्च, हरी मिर्च डालेंगे और उसके बाद डालेंगे प्याज, ताकि हरी मिर्च पूरा एकदम तेज से स्पाइसी लगे। और मेरा ब्लॉग शूट कर रही शकीला आपा, और उसके बाद डालेंगे प्याज, है ना। ब्लॉग बनाते तो कोई बनाने वाला भी चाहिए ब्लॉग, वरना अकेले बनाओ तो खाने बनाने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मस्त शकीला आपा पकड़िए और मैं बना रही हूँ सब्जी, है ना। और तुरई को पहला धोना है, क्योंकि अगर हम लोग तुरई को भिगा के रखेंगे पानी में तो एकदम पानी उसमें जमा हो जाएगा। मैंने पहले तुरई को अच्छे से क्लीन कर ली थी, धोकर मैंने काटी हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बंगाली स्टाइल में बनाएंगे सब्जी, है ना। तो मिलते हैं गाइस, पहले नमक डालेंगे ताकि अच्छे से प्याज जल्दी लाल हो जाए, है ना। और हमारी बर्नी कितनी प्यारी है माशाल्लाह। और उसके बाद हम लोग डालेंगे नमक डाले, उसके बाद हम लोग डालेंगे आलू, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा कलर आ जाएगा तब। एकदम इजी है, आप लोग भी घर पे ट्राई कर सकते हो, है ना। बारिश पानी में कुछ अलग अलग चीजें खाने मजा आती है, गोश्त तो खाए बट भाजी अच्छी लगती है। देखो मिर्ची मस्त फ्राई हो चुकी है, तो गाइस तो सब्जी में पानी नहीं डालना है, क्योंकि जितना भाप में सब्जी कच्ची पक्की बनेगी उतनी टेस्टी बनती है। और बहुत से लोग डालते हैं आलू गल जाए, ये हो जाए, मैं सिर्फ ऑयल में ही गलाऊंगी। और बहुत इजी, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हो, जिसको खिचड़ी से खाना है, जिसको दाल चावल से खाना है, है ना। और आगे आगे अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। तो शकीला पर डालो, मैं डालो आलू मस्त, ताकि आलू पहले गल जाए, है ना। अभी मैंने अच्छे से धोकर अच्छे से मस्त काटी हूँ गाइस। तो थोड़ा सा मैं ब्लॉग ले रही हूँ, क्योंकि शकीला आपको तो पता है ना बेचारे लेती भी है। और इसको मैं अच्छे से हल्का सा गला दूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी, एक ही चीज़ डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी मसाले। और इसको सब्जी को चावल से कहेंगे तो एक नंबर लग गया, क्योंकि ज़्यादातर बंगाली लोग जैसा होते हैं तो वो लोग चावल से ही खाते, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग के खाने देखकर भी। और एक कच्चे तेल में बनाते हैं लोग आलू का भरता,
वो ही मैं आप लोग को बताऊंगी, वो मेरी बहन बहुत बनाती है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊँ कैसे बनाते हैं। सो गाइस, तो हम लोग डालेंगे इसमें हल्दी का पाउडर, है ना। थोड़ी सी लाइट ज़्यादा आ रही होगी तो मैं बाद में आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी, है ना। इसमें सिर्फ हम लोग डालेंगे हल्दी, और आप लोग सोचेंगे इतनी सारी हल्दी, तो हाँ मैं हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालूंगी, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों बंद कर रही है? अच्छा चल रहा। अब डालेंगे हम लोग इसमें स्लो करके गैस तुरई की सब्जी, अच्छे से मिक्स करके मैं दिखाती हूँ गाइस आप लोग को। देख सकते हो मस्त भाजी रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पार्टनर ना करेला परेला भिंडी गवार क्या क्या बना रहे ले, और ये सकीला का मुंह पहले से बिगड़ चुका है। देखो सकीला इधर देख, अबे तेरे से भारी तो करेला ही दिख रहा है बेटा। अरे करेला नहीं है, तुरई है, तुरई है, तुरई तुरई तुरई। देखिए कैसे गाइस ये कर रहे हैं, तुरई तो मस्त बन चुकी है। और यार कुछ सकीला को बोलो आप, कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? कुछ तो बन रहा है प्लान, है ना। हाँ कुछ तो बन रहा है, सकीला के दांत की थोड़ी मिश्री गिर गई है उसमें, अभी नान के साथ ढकेलने का खाली लेटर। सिर्फ इसमें पानी नहीं डालते क्योंकि ऑलरेडी ये पानी थोड़ी सी भाजी छोड़ती है, कलर भी देख सकते हो। इस पे कुछ भी मैंने डाली नहीं ज्यादा, और अदनान की मस्ती भी आप लोगों ने देखे गाइस, बहुत ही प्यारी बनी है। सेम माशाल्लाह जरूर बोलना, चावल में तो एक नंबर लगेंगी सब्जी है, और आप लोग भी घर पे जरूर ट्राई करना, है ना। अभी हम लोग इसमें डालेंगे कोथमीर, ये कलर है सब्जी का क्योंकि लाइट थोड़ी ज्यादा हो जाती है। कल जाने का था। मस्त में बोल जल्दी क्या करने का। देखो कुछ प्लान बना रहे हो, देखो उसको, देखो क्या बैठा हुआ, देखो यहाँ पे फ्लेवर लेकर आता 7 नंबर से। प्लान बन रहा है कहाँ जाने का है घूमने के लिए, और अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, 3-4 दिन से डिसाइड हो रहा था। अरे वो लेके जाना चाबी गाड़ी, ये परेशान कर रहा है, तो देखते हैं ये लोग कुछ लाने जा रहे हैं, कहाँ का प्लान बनता है। ए जल्दी आए, साची से बच्ची जा रही है सारा दी को मारने की। ए दे दे पड़ पड़ ए इसको पकड़ है, दे पकड़ है, पकड़ ना वैसी वैसी दे ना, अम्मी को बोल ना, अम्मी को मेरे अम्मी का ना, अरे अम्मी अम्मी, अरे बोल क्या बोलता है तू, देख सकते हो आप दोस्तों चलते चलते आ चुका है। अरे तू और कुछ बोला था ना, जैकेट देखो देखे आप लोग, अदनान की मस्ती चालू हो चुकी है। बाप रे, ये तो बहुत परेशान करके रखता है, सबको नाम रखता है, मजाक मस्ती करता है, सीरियस मियां, और मजाक मस्ती वाले अदनान तो पहले से करता है। देखो अभी वो जैकी चैन बना है, ब्रूस ली हादसा क्या हुआ, मेरे को भी मारने की साजिश रची है इन लोग, ये आंटी और इनका प्लान है, ज़ारा दी बच चुके हैं, अभी मेरी डाई है, अभी मैं भी मरते मरते बचा। किससे बाबा? है ना बेटा, ये एक है, अरे कोयला ले 200 रुपए कर रही थी इसको। ये देखो पर्दा गिर रहा, तो चिल्ला रहे बाहर, देखो देखो अलग बार का दे, अलग बार अलग बार, अदनान अदनान है क्या, और आपसे अदनान फोटो भेज रही हूँ, नहीं लग रहा है ये, देखो ना। तो जारा ने बाहर से मंगाई है पालक पनीर रोटी, और हकीकत में आज रोटी खाने का बहुत दिल कर रहा था हम लोग का, पराठा बड़ा भी कुछ दिमाग में चल रहा है, पहले खाना खाते उसके बाद आगे दिमाग और दौड़ाते। और यहाँ पर कुछ दो गुलाब जामुन दिख रहे होंगे, दिया मिलेगा हम लोगों को, और मेरे मम्मी भी कुछ लेकर आए तो पता चलेगा क्या लेकर आए। तो मस्त में गरम गरम सूप बन चुका है, और ये बना है बकरे के गोश्त का, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, देख सकते हो एकदम मस्त। और ये घर से बना के लेके आए थे, पर थोड़ा सा इसको हम लोग को रेडी करना था, बट हो चुका है, और देखते अभी कैसा है ना, मस्त सूप। दे जाना से रिव्यू कैसा बना, अच्छा यार, अच्छा है ना सूप, पाव से तो और मस्त लगा, ब्रून पाव से
और अम्मी ने तो बनाया पर उसकी रेसिपी नहीं बताया, बट यहाँ पर थोड़ा उन्होंने मस्त किए। देखो मटन की रेसिपी ये बना दी अम्मी ने ना। तो देखो सुबह के बज रहे 5, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो ये मेरे बर्थडे में मैं एक ही टाइम पहनी चप्पल, 4,500 की चप्पल है। बारिश का पानी पीछे ध्यान नहीं दिया हम लोग ने गैलरी में रखे थे। कम से कम ये चप्पल कम से कम इसके अंदर 20-25 जोड़ी है, मैं गिन के बता सकती हूँ, बट गीली करके मैं निकाल रही हूँ। और ऑलरेडी उधर और 20-25 जोड़ी रखी हुई है। बोलो। और नीचे ड्रम के पास जो हमारे मेन जो बाहर है वहाँ पर कम से कम 7-8 जोड़ी हुई। अभी तो 2 फेंकी मैंने, जूते उते सब हमारे। तो किसकी वजह से हुआ ये? आपको लग रहा होगा, देख सकते हो सैंडल मेरी महंगी 6,000-7,000 की, मुझे अभी इसको धोएंगे। मेरी मेहनत की वाट लगाती हो ना तू? ये देखो गाइस है ना, अभी नहीं उठ रहा हमारे से, पूरी मेरी मेहनत की वाट लगाती हो ना। शकीला को मैं मिलके उन्होंने साफ करे। आप सभी को जुम्मा मुबारक हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून, शकीरा का भी साथ में है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो चलते हैं फटाफट सैलून क्योंकि ट्रैफिक थोड़ी जाम है, तो ब्लॉगिंग थोड़ा आगे पीछे हो जाती है ना, कि फोन ऐसा ऐसा करना पड़ता है इसके लिए। तो फिर मिलते हैं गाइस, और हम लोग कहीं प्लान कर रहे कहीं जाने का। हम लोग आ चुके हैं सैलून पे और इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर गाइस कि मजा भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है भीगो, पर भीगने के लिए कैसे अभी वहां से डायरेक्ट सैलून पर आओ तो फिर एकदम आग एकदम गीला गीला हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग सोचे कि थोड़ा सा कुछ प्लान कर, जैसे मैंने बताया कि हम लोग कहीं जाना है, पर हम लोग कहाँ जाएंगे ऐसा बहुत दिन हो गए। हम लोग बहुत माशाल्लाह पहले जाते थे मैं और जाना अकेले, तो ऐसे कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं जाना है ना, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, हम लोग अकेले जाते ही नहीं हैं, और अभी हम लोग अकेले जाएंगे वापस, कि हम दोनों अकेले एक दूसरे के लिए काफी है। हाँ, और क्योंकि हम लोग जब जाते हैं ना अकेले तो हम लोग कुछ अलग ही जगह जाते हैं ना, तो अभी कुछ प्लान बन रहा है कहीं जाने का। मैं बता दूं कि हम लोग दोनों ही जा रहे हैं, मैं और जाना, और पहले भी हम लोग दोनों अकेले घूमते थे है ना। तो उसके बाद कहाँ जाने का प्लान है वो तो आप लोग को पता चलेगा, और कुछ सोचे भी हम लोग बाहर जाने का, बट वो तो इंशाल्लाह जाएंगे और आप लोगों को तो पता चलेगा। बट अभी हम लोग कहाँ जा रहे एक दिन के लिए मैं और जाना, वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो उसके थोड़ी बहुत सी शॉपिंग तो बनती है गाइस है ना। और कहाँ जाने जाना, बहुत सारी जगह है, तो अभी जाना देखे कि कहाँ जाने का कुछ बनता है प्लान, तो देखते हैं गाइस। उल्टा वाटरफॉल लेके चलते हैं। देखो क्या बोली जाना, मेरी मैं वो है ना ना, कौन है तुम? वो गूगल पे डालते सर्च करते तो सब आ जाता है। तो जाना एक एक चीज जाना एकदम नई नई निकालती है और उसको बहुत सी मालूम आते हैं, और मुझे लेकर जाएंगे तो कुछ अलग यूनिक ही जगह, जैसा कि कुछ स्पेशल सा बॉम्बे में अपनी बहुत सी जगह है जो बहुत से लोगों को पता है बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो कोई नहीं, हम लोग अपने ब्लॉग के जरिए आप लोग से शेयर करेंगे, तो आप लोग भी वहां पर जा सकते हैं। तो अब चीज डिसाइड होगी कहाँ जाना है, किधर जाना, कब जाएंगे हम लोग, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो देखते आज का मूड क्या है, शॉपिंग करने का है गाइस है। और सभी चल रहा है काम सैलून पे, लेकर है खाना खिलाने के लिए पार्टी आज।
तो गाइस अभी मंगाए पास्ता जाना ने, बस दो प्लेट करो। देखो हमारे घर के जानवर भी कितने प्यारे हैं। ये देखो अंदर बैठ के टॉयलेट जाता है। ये देखो इंसान को सिखाते पर ये तो जानवर है। पर देखो कितना अच्छा हमारा जूजू। अभी देखो उठेगा खुद को। जूजू हो गया, देखो इसे सूसू किया। देखे तो गाइस तो देखिए आप लोग ने मस्त में जूजू आकर बैठ चुकी है और अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो रहे क्योंकि आई लेट। तो चलो इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज लेकर। दुआ में याद रखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन दबाओ हम लोग को और आगे बढ़ाओ, है ना जना। ज़ारा ज़मीन को सपोर्ट करो, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज लेकर। दुआ में याद रखो, बाय बाय, लव यू।